दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग नाम से जो चैनल था जो अभी आप देख रहे हैं उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टेक्निकल बिहार ब्लॉग आपने रखा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बहुत सारा नाम रिसर्च किया और यहाँ पे जो है अभी आप देख रहे होंगे नीचे वीडियो में पटना का गौरव मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो आप कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही चैनल है टेक्निकल बिहार ब्लॉग ही है, जो कि अब नए रूप में नए नाम के साथ आ गया है पटना का गौरव नेम से। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नेम से मिल जाएगा, या फिर मेरा फेसबुक पेज भी है वो आपको इसी नेम से मिल जाएगा। तो चलिए इस पटना मेट्रो का अपडेट को एंजॉय कीजिए। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपको आ गया हूँ पटना मेट्रो का अपडेट देने के लिए। और अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ यहाँ से लेकर के 90 फीट तक काफी तेज गति से काम किया जा रहा है पटना मेट्रो का। देख लीजिए मैं यहाँ पे अभी गांधी सेतु जाने वाला रास्ता ये है, और इधर जब जाएंगे तो गांधी सेतु जा सकते हैं, और मेरे पीछे इधर जाएंगे तो आप सीधा फतुहा बख्तियारपुर मोकामा तक जा सकते हैं, और इधर जाएंगे तो ये चल जाएंगे आपको पुराना वाला बस स्टैंड। तो यहीं से मैं आपको अपडेट कवर कर रहा हूँ कि आखिर पटना मेट्रो में, चूंकि मैं बहुत दिनों बाद पटना मेट्रो का अपडेट देने आया हूँ, तो अब तक जो है कितनी काम हो गई और कितनी काम बाकी है। तो दोस्तों पटना मेट्रो का जो भी काम हो रहा है वो नया वाला बस स्टैंड पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से लेकर के जैसा कि आप रोड व्यू देख रहे हैं उधर भी पाइलिंग का काम जो है, पिलर बनने का काम जो है चल रहा है। काफी हद तक पिलर जो है वो बन चुके हैं। उससे आगे जब बढ़ेंगे जहाँ पे मैं अभी हूँ इस फ्लाई ओवर के ऊपर 0 माइल में, यहाँ भी जो है काम जो है तेजी से चल रहा है। उससे आगे आप बढ़ेंगे 90 फीट की तरफ तो उधर भी आप ड्रोन शॉट में देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे जो है पिलर, अभी कुछ एक दो पिलर जो है वो बनने हैं, बाकी सारा पिलर जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और बस कुछ देर और आगे जाऊंगा मैं, ड्रोन व्यू में आप देख रहे होंगे, जब आप और बढ़ेंगे यहाँ से पुराना वाला बस स्टैंड की तरफ तो वहाँ पे पिलर में भागवत नगर जो रास्ता जाती है वहाँ पे जो है 5-6 पिलर में पियर कैप लगाने का भी काम जो है वो शुरू हो चुका है। यानी 5-6 पिलर में पियर कैप भी लगा दिए गए हैं, और वहाँ पे पिलर में जो पियर कैप लगाए गए हैं वो पिलर नंबर है 102-3-4, मतलब लगभग 101 से लेकर के 105 पिलर तक जो है वो पियर कैप शिफ्टिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि पिलर में जो पियर कैप लगाया जा रहा है उसका जो काम होता है वो यहाँ पे ढलाई का काम नहीं होता, उसका काम जो होता है कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। और बस पिलर जब बन जाती है तो पियर कैप को लाकर शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद जो है गटर का काम किया जाएगा, उसके बाद पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। वहाँ से आगे बढ़ेंगे आप तो आपको भूतनाथ के आसपास में दिख रहा होगा ड्रोन वीडियो में, पिलर में पियर कैप लगाने का यानी शिफ्टिंग का काम, उसको कसने का काम जो है वो शुरू भी हो चुकी है। तो आप आगे बढ़ेंगे तो 90 फीट एरिया में भी आप देखेंगे कि काम जो है उधर, जब आप जाएंगे कंकड़वा की तरफ यानी मलो का स्टेडियम की तरफ, जब मलाई पग की तरफ आप इन करेंगे तो उधर भी जो है पटना मेट्रो का काम जो है काफी तेज गति से किया जा रहा है। जब फेस्टिवल चल रहा था तो उस समय जो है छठ पूजा, दुर्गा पूजा में, दीपावली में काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन जैसे ही सारा फेस्टिवल खत्म हो गया है तो पटना मेट्रो का ये जो एरिया है इसमें काम की रफ्तार में तेजी आई है। तो यहाँ पे देखिए मैं उस जगह से आपको अपडेट देता हुआ आया हूँ यहाँ तक पैदल वॉक करते हुए। देख लीजिए कुछ पिलर जो है अभी बनने बाकी है, जैसे वहाँ पे देखिए सरिया का लगाने का काम चल रहा है, और ये जो है ट्रांसपोर्ट नगर एरिया है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो कतार में एक सीध में जो है सारा पिलर बनकर रेडी हो चुका है, बस कुछ जो है मान के चलिए 5-10% पिलर जो अभी निर्माण करने के लिए बाकी है, बाकी सारा का सारा पिलर का काम हो गया है और पियर कैप लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी मैं उस फ्लाईओवर से आपको अपडेट दे रहा था, अभी मैं आ गया हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कुछ एक दो पिलर बचे हुए हैं उसका काम अभी चल रहा है। देख लीजिए 90% पिलर कंप्लीट हो गया, लेकिन जो भी पिलर अभी बचे हुए उसका काम बहुत तेज गति से हो रहा है। सभी वर्कर और इंजीनियर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे साइट इंजीनियर भी हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि 90% पिलर बन गए हैं जिनका इन साइट है यहाँ से लेकर के भागवत नगर तक का, और 10% जो पिलर बन रहे हैं उसमें काम चल रहा है। देख लीजिए आप, उस साइड से मैं इधर आ गया हूँ तो इधर आपको दिखाऊंगा, तो इधर भी जो है इधर जितना भी एक सीध में पिलर दिख रहे हैं आपको वो पूरे पिलर जो है आपको बने दिखेंगे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, इधर देखिए पटना मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है और साइड से बैरिकेटिंग किया गया है, उसके अंदर मैं आपको आकर दिखा रहा हूँ। यहाँ से जितने भी पिलर आपको दिख रहे हैं एक सीध में, सभी के सभी पिलर जो है बनकर रेडी है, यानी सिर्फ पियर कैप लगाना बाकी है, उसके बाद ऊपर छत ढलने का काम होगा, उसके बाद पटरी बिछाने का काम होगा। तो ये जो काम जो है काफी तेजी से चल रहा है, और आने वाले बस कुछ ही दिनों में पटना मेट्रो का सौगात जो है हम सभी को मिलने वाले हैं, पूरे बिहार वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि लंबे अरसे से सबको इसका इंतजार है कि जैसे दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में जैसे मेट्रो सेवा जारी है, उस तरह बिहार में यानी पटना में
मेट्रो सेवा कब बहाल होगी, सभी लोगों का इसका बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों यही कुछ पटना मेट्रो का अपडेट था जो कि मैंने कवर किया है पहाड़ी यानी 0 माइल से लेकर के 90 फीट तक का, जिसमें आपने ड्रोन व्यू में देखा ही होगा कि कितना काम कहाँ पे हो गया है। कहीं कहीं जगहों पे जो है जैसे कि भागवत नगर में वहाँ पे पिलर में पियर कैप शिफ्टिंग का भी काम शुरू हो चुका है और 5-6 पिलर में पियर कैप लग भी चुका है और जो भी पिलर बन चुके हैं उसमें भी पियर कैप लगाने की प्रक्रिया चल रही है और काम की रफ्तार काफी तेजी है। तो यही कुछ अपडेट था। अगर ये भी अपडेट आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।